जो भजन मैं गा रहा हूं, ये प्रसंग जो मैं गा रहा हूं, ये भजन खास इसलिए है क्योंकि इस भजन में जिक्र है रावण का। रावण की बात आते ही सबके दिमाग में एक ही चीज आती है, बोले दुष्ट सीता को हर कर ले गया। लेकिन रावण के बारे में आज एक बात बताऊं आपको। कहते हैं रावण जो भी था या रावण ने जो भी किया, पर रावण से बड़ा पंडित, रावण से बड़ा विद्वान और रावण से बड़ा शिव भक्त इस सृष्टि में ना आज तक कोई हुआ और ना कोई दूसरा हो सकता है। स्वयं राम को अपने बनाए हुए शिवलिंग की पूजा के लिए जिसके अधीन होना पड़ा वो कोई और नहीं बल्कि वो महापंडित रावण था। रामेश्वरम की स्थापना करवाने वाला कोई और नहीं था। जब सवाल उठा लंका पर चढ़ाई का, बोले चढ़ाई से पहले शिव की पूजा करनी होगी। शिवलिंग बनाया गया, राम ने पूजा पूर्ण की, लेकिन बिना पंडित के पूर्ण हो कैसे? और राम जिस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं उसकी पूजा संपूर्ण भी कोई छोटा मोटा पंडित तो करवा नहीं सकता। जब बात चली तो जामवंत ने कहा, बोले प्रभु बुरा मत मानना पर पूजा तो पूरी तभी होगी जब रावण आएगा, और रावण आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी पूजा उसके नाश के लिए कर रहे हैं आप। और जिसे पता हो कि जो यज्ञ ही मेरे नाश के लिए हो रहा है वो क्यों आएगा? राम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, रे बोले जामवंत आपने अभी रावण को समझा ही नहीं। वो लाख दुष्ट सही, उसने लाख गलतियां की हो वो एक अलग बात है, पर मैं जानता हूं कि रावण से बड़ा ना कोई शिव भक्त है और रावण से बड़ा ना कोई सच्चा पंडित है। राम ने संदेश भिजवाया, बोले जाकर रावण से कहो, रावण से नहीं जाकर उस महापंडित रावण से कहो, फर्क आ गया। रावण से नहीं, बोले जाकर उस महापंडित रावण को संदेश भिजवाओ कि राम ने हाथ जोड़कर आपसे विनती की है कि हे पंडित, राम ने शिवलिंग की स्थापना की है और उसकी पूजा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक आप अपने हाथों से नहीं करवाओगे, क्योंकि इस धरती पर आपसे बड़ा शिव भक्त और पंडित कोई दूसरा नहीं है। राम की विनती है कि आप आकर उस पूजा को संपूर्ण करवाएं। जामवंत ने कहा, बोले प्रभु वो नहीं आएगा। राम ने कहा, बोले संदेशा तो लेकर जाओ, जो होगा वो तुम भी देखोगे मैं भी देखूंगा। रावण राज सिंहासन पर बैठा राजा बनकर, जैसे ही संदेश मिला बोले हे महापंडित रावण, हमारे प्रभु राम ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। राम ने कहा है कि रावण से जाकर कहना कि राम ने हाथ जोड़कर विनती की है कि हे महापंडित, शिव की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक आप अपने हाथों से इसे पूर्ण नहीं करवाएंगे। जैसे ही संदेश सुना रावण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रावण खड़ा हुआ और उसने कहा कि सिर्फ 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। कुछ देर के लिए रावण अंदर गया और जब वापस बाहर आया तो वो लंका का राजा रावण बनकर नहीं आया, बल्कि सफेद धोती पहनकर, सारे गहने त्याग कर और पूरी तरह से नग्न बदन होकर सामने आया शिव भक्त बनकर गया। राम ने चरण स्पर्श किए उस महान पंडित के, रावण ने बैठकर वो पूजा संपूर्ण करवाई और संपूर्ण करने के बाद भरपूर आशीर्वाद राम को देकर वापस लौट गया। उसे पता था कि ये पूजा मेरे नाश के लिए हो रही है, उसे पता था कि इस पूजा के बाद मेरा मरना निश्चित है, उसे पता था कि इस पूजा के बाद मेरे कुल का मिटना निश्चित है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने पंडित धर्म के साथ बेईमानी नहीं की। साहब उससे बड़ा पंडित नहीं हो सकता। यह भजन उसी रावण का है, मेरी इच्छा एक एक शब्द सुनिएगा। कहते हैं जब राम और रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था, राम ने जितने अस्त्र शस्त्र थे सारे चलाए, सब बेकार हो गए रावण के आगे।
जब राम निराश होकर गर्दन लटकाकर खड़े हो गए कि इसका मरना असंभव है, विभीषण दौड़ता हुआ राम के पास आया और उसने राम के कान में आकर कुछ कहा। राम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राम ने अगला बाण निकाला और सीधा निशाना बनाया रावण की नाभि को, और जैसे ही रावण ने बाण छोड़ा वो बाण आकर लगा रावण की नाभि में, और जैसे ही बाण नाभि में लगा रावण ने मुस्कुराते हुए विभीषण की ओर देखा, और विभीषण की ओर देखकर राम की ओर देखा, रावण की मुस्कुराहट और गहरी हो गई, छटपटता हुआ जमीन पर गिरा और जब अंतिम सांसें गिन रहा था, सुनना प्रेमियों, जितने लोग थे सब आकर रावण के आगे खड़े हो गए। राम आए, राम ने अपना धनुष उसी वक्त छोड़ दिया क्योंकि सब हो चुका था। राम ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर राम ने कहा, बोले हे महापंडित, अगर आज आप बिना कुछ कहे चले गए तो आज रावण की मृत्यु व्यर्थ चली जाएगी। सारी दुनिया जानती है, स्वयं राम जानता है इस बात को कि आपको मारना राम के वश की बात नहीं है। आपको राम क्या तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता, लेकिन उसके बावजूद आज राम के एक बाण ने आपका यह हाल कर दिया कि आप अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। आखिर आपसे जीवन में ऐसी कौन सी चूक हो गई कि जिसे तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता था, आज वो एक साधारण इंसान की तरह धरती पर मरने के लिए तड़प रहा है। रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले राम, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है कि मैं क्यों मर रहा हूं। राम ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन अगर मैं कहूंगा तो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। महापंडित, आप खुद अपनी जुबान से कहकर जाइए कि आपने अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से रावण जैसा शख्स आज धरती पर पड़ा है, ताकि जो गलती आपने की वो गलती आने वाले कलयुग का इंसान ना करे, वरना वो ये समझ ले कि जब रावण मिट्टी में मिल सकता है तो मेरी कोई हस्ती नहीं है। तब रावण ने कहा, बोले राम, अगर आप जानना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों मर रहा हूं और आप मुझे मारने में सफल क्यों हुए। एक एक शब्द सुनिएगा इस भजन का। मैं आपसे दान मांग रहा हूं सिर्फ 10-12 मिनट का। मेरी इच्छा है मैं गाऊं आज, क्योंकि कीर्तन कभी भीड़ से नहीं होता। आज आप जितने यहां हो ना, आप लोग मेरे लिए किसी 10 लाख से कम नहीं हो। आज बहुत है आप लोग, लेकिन प्रार्थना इसे सुनिएगा। क्या कह रहा है रावण कि हे राम, कि राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। बोले प्रभु, अगर पूछ लिया है तो सुन लीजिए आज। कि राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध, जानकी की वजह से न मैं मर सका। लोगों को शायद ये गलतफहमी है कि मैंने सीता हरण किया इसलिए मर रहा हूं। वो ये ना सोचे कि मैं सीता हरण के कारण मर रहा हूं या मैंने माता का हरण किया। जो लोग ये सोच रहे हैं वो लोग ये जान लें कि मैंने जिस दिन सीता को उठाया मैं उसी दिन से जानता था कि मैं जिसका हरण करके ले जा रहा हूं ये कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि ये स्वयं और स्वयं नारायण की धर्मपत्नी है, जानता था मैं। और प्रभु आप धरती पर आ चुके हो, मैं ये भी जानता था, मैं आपको भी पहचानता था कि आप कोई वनवासी नहीं बल्कि आप स्वयं नारायण हो। राम ने कहा, यह तुमने कैसे जाना। रावण ने कहा, बोले प्रभु, जब मैं रावण और कुंभकर्ण के रूप में, हम जय विजय दोनों भाई धरती पर आ रहे थे ना,
उस वक्त हमने सवाल किया था कि हमें पता कैसे चलेगा कि अब हमारा अंत समय आ गया, हमारे उद्धार होने का समय आ गया, प्रभु धरती पर आ चुके हैं। उस वक्त हमें ब्रह्मा ने बताया, बोले सुनो, तुम्हारे ही समान तुम्हारे दो भाई और होंगे, खर और दूषण। जिस दिन रावण तेरे कानों में यह खबर आ जाए कि खर और दूषण का वध किसी ने कर दिया, उस दिन समझ लेना कि प्रभु ने धरती पर अवतार ले लिया। जब शूर्पणखा ने बताया कि दो वनवासियों ने खर और दूषण का वध कर दिया, मैं उसी वक्त खुशी से पागल हो गया था कि अब मेरे और मेरे कुल के उद्धार का समय आ गया, प्रभु धरती पर अवतार ले चुके हैं। मैं माता के हरण की वजह से नहीं मर रहा प्रभु, और इस बात का सबूत आपको माता दे सकती हैं कि मैं जिस दिन से उन्हें उठाकर लाया, मैंने एक बार भी नजर उठाकर मां की ओर नहीं देखा। कहीं कहीं एक कैप्शन आता है, वो बड़ा सुंदर लगता है मुझे, कि सीता जीवित मिली ये राम की ताकत थी, लेकिन सीता पवित्र मिली ये रावण की मर्यादा थी। ये सच्चाई है, सीता को जीवित पा लिया राम ने, कोई बड़ी बात नहीं थी साहब, लेकिन सीता सही सलामत इतने समय तक पवित्र रही, ये सिर्फ और सिर्फ रावण की महानता और रावण की मर्यादा थी कि उस महापंडित ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, इसलिए महान था रावण। जानकी की वजह से न मैं मर सका, क्यों? जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर, एक बार दोनों हाथ उठाओगे, सिर्फ एक बार, इसके बाद नहीं बोलूंगा। ये दोनों हाथ किसी के लिए नहीं, उस महापंडित शिव भक्त रावण के लिए। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर कहोगे क्या, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी तरफ से रहा शुद्ध में, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, ताली बजाकर मीठी मीठी ये प्रेम से। रावण ने कहा, बोले राम आप जानते हैं आप कहीं भी नहीं ठहरते मेरे आगे कहीं भी, कहां रावण और कहां राम, क्यों? सुनना एक एक शब्द, राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी, राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा आयु मेरी बड़ी। और सबसे बड़ी बात, वेद चारों छों शास्त्र कंठस्थ है, वेद चारों छों शास्त्र कंठस्थ है। बोले आप जैसे राजाओं को भी मुझे बुलाना पड़ता है, ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। बोले राम
कोई समानता नहीं है आपकी और मेरी। क्यों? वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है, वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है, ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रभुत्व में, ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रभुत्व में, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। बोले प्रभु एक बात बताओ, आप रहते कहां हैं? राम ने कहा अयोध्या। रावण ने कहा अयोध्या में रहते हैं, पर अयोध्या में कहां रहते हैं? राम ने कहा मेरे महल में। रावण ने कहा बोले प्रभु जिस महल में आप रहते हैं वो महल किस चीज का बना है? जिस महल में आप रहते हैं राम वो महल किस चीज का बना है? राम ने कहा कि जिस चीज के सारे महल बनते हैं ईंट पत्थर का, सारे महल ईंट पत्थर के ही होते हैं। रावण ने मुस्कुराकर कहा बोले ना, दुनिया के महल ईंट पत्थरों के होते होंगे, आप जिसके सामने खड़े हो ये कभी ईंट पत्थरों के महल में नहीं रहा। मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल। बोले ईंट पत्थरों में तो आप रहे हो राम, हाँ। इस रावण ने अपना जीवन जिस महल में गुजारा है वो ईंट पत्थरों का नहीं बल्कि 100% शुद्ध सोने का है, और वो सोने का महल भी किसी और का दिया हुआ नहीं है प्रभु जिसमें मिलावट हो, वो सोने का महल भी देवाधिदेव महादेव से हासिल किया है। ताली नहीं बजाओगे? सुनना प्रेमियों, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा, है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा, है खजाना मेरा ये अवध से बड़ा, देवता भी मेरे घर करे नौकरी, देवता भी मेरे घर करे नौकरी। बोले आपका वो कुबेर है ना धन का राजा, वो कुबेर बोले यहां घूमता रहता है मेरे महलों में मेरे आगे पीछे, ताली बजाओ ना। और वो इंद्र, इंद्र जो हर बात पर गदा लेकर खड़ा हो जाता है, उसकी भी हिम्मत नहीं कि जिस राह से मैं निकल जाऊं मेरी राह में आ जाए, बल्कि उसे पता चल जाए कि रावण आ रहा है, वो इंद्र अपना रास्ता बदल लेता है। ताली बजाओ ना, सुनिएगा प्रेमियों। और लोग कहते हैं काल, काल से सब डरते हैं, काल। बोले उस काल को भी मैं अपने पलंग के सिरहाने बांध कर सोता था राम। ताली बजाओ ना, सुनना प्रेमियों एक एक शब्द इस भजन का, कि राम
मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल है। खजाना मेरा ये अवध से बड़ा है, खजाना मेरा ये अवध से बड़ा। देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी। देवराहों को कर देता अवरुद्ध में, देवराहों को कर देता अवरुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। अब सुनिएगा भजन की अंतिम लाइन। अब बारी है उस जवाब की, जो जवाब राम ने रावण से पूछा। राम ने हाथ जोड़कर कहा, बोले जो कुछ आपने कहा वो सब मैं एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार है। मैं जानता हूं कि मैं कहीं नहीं ठहरता आपके आगे, मेरी कोई औकात नहीं आपके आगे। आप महान पंडित हैं, मैं नहीं मार सकता था आपको, पर अब वक्त आ गया, क्योंकि अब आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है। अब एक बार बताकर जाइए कि इतना सब होने के बाद भी आपसे कहां कोई ऐसी चूक हो गई कि आज मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूं और एक वनवासी के वाण से रावण मरने की अवस्था में पड़ा है। सुनना प्रेमियों, बोले अब जवाब दीजिए। उस वक्त रावण ने कहा, सुनिएगा प्रेमियों, बोले राम मुझसे चूक कहां हुई अब सुनो। ताली बजे। हेलो, थोड़ी आवाज खोलो भैया, पहले जैसी कर दो। बोले राम सुनिए, आप कहां आगे निकल गए और मैं कहां चूक गया, ये आज मैं आपको भी बताता हूं और आने वाले युगों के इंसानों को भी बताता हूं कि वो मुझसे आज सिर्फ एक सबक लें कि जो गलती मैंने की अपने जीवन में, वो गलती वो कभी ना करें। क्योंकि अगर मेरी गलती उन्होंने कर दी तो वो कितने भी बड़े पावरफुल हो, उन्हें मिट्टी में मिलने से कोई रोक नहीं सकता। एक बार दोनों हाथ उठाओ ना, दोनों हाथ उठाओ। सुनिएगा अंतिम लाइनें हैं भजन की, क्या कारण बताया रावण ने, ताली बजाकर। एक दो तीन चार। सबसे खास बात है इस भजन की अंतिम लाइन है, क्या कारण बताया रावण ने, बोले अब सुन राम कि आज मैं क्यों मर रहा हूं, कहां चूक हो गई मुझसे। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती। पर तुम बावरा, तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। बोले बस राम आप यहीं जीत गए, ताली बजाओ ना। राम ने मुस्कुराकर विभीषण की ओर देखा, मुस्कुराकर कहा, बोले कर दिया काम, बोले ये काम सिर्फ तू ही कर सकता था। क्योंकि राम आप ये कभी जान ही नहीं सकते थे कि रावण की मृत्यु होगी कैसे, ये सिर्फ ये जानता था जो सामने खड़ा है, मेरा अपना भाई। और जिस वक्त इसने आपके कान में आकर कुछ कहा था ना, मैं उसी वक्त समझ गया था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, और मुझे अपनी इस गलती का एहसास उसी वक्त हो गया था। मैं आज अपनी मौत नहीं मर रहा राम, मुझे मारने वाला आप न, मुझे मारने वाले आप नहीं, सच्चाई यह है कि मुझे मारने वाला यह है जो सामने मेरा भाई खड़ा है। कहते हैं ना घर का भेदी, ताली बजाओ ना।
सुनना प्रेमियों अंतिम लाइन भजन की। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। बोले सिर्फ यही फर्क है राम और रावण में, यही फर्क है कि आप राम है और मैं रावण हूं। क्या फर्क? कि रावण ने जिंदगी भर ठुकराना सीखा और राम ने ठुकराए हुए को उठाकर सीने से लगाना सीखा। इसलिए आप राम हैं और मैं रावण हूं। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। जब भरत का नाम सुना तो लक्ष्मण को थोड़ा बुरा लग गया। लक्ष्मण ने आगे आकर कहा, बोले लंकेश ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, ये मेरे साथ ना इंसाफ है, इंसाफ ही है। बोले आप भरत भैया के लिए कह रहे हैं, भरत तेरा भाई तेरे साथ संग खड़ा। बोले भरत भैया कहां रहे हैं 14 साल? 14 साल तो इनके बगल में मैं खड़ा हूं और आज भी मैं ही हूं, भरत कहां है? भरत ने क्या किया? रावण ने मुस्कुराते हुए राम की ओर देखा, राम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राम ने कहा, बोले लंकेश ये नादान है। बोले ना, अगर ये नादान है तो आज इसकी आंखें खोलनी बहुत जरूरी है। राम ताली बजाओ ना। बोले आपके ये कहने से ये नादान है काम नहीं चलेगा, इसकी आंखें खोलनी जरूरी है। इसे पता ही नहीं कि भरत ने क्या किया और इस वक्त भी वो क्या कर रहा है। रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले लक्ष्मण तूने बिल्कुल ठीक कहा, तू 14 साल से राम के साथ है। तूने बिल्कुल ठीक कहा कि तूने हर पल राम की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, तूने 14 साल राम के साथ जंगल में गुजारे। रावण ने मुस्कुराकर कहा, अरे बोले पागल एक बात सोच कि जिसके साथ स्वयं राम 2400 घंटे रहे वो 14 साल क्या, अगर 14 जन्म भी उसे जंगल में बिताने पड़े तो वो बिता जाएगा क्योंकि राम उसके साथ है। जिसके साथ प्रभु खड़े हो उसे क्या जरूरत है किसी की। बोले उस भरत की सोच, राम नहीं है उसके साथ। 14 साल से तू यहां जंगल में वनवास काट रहा है भाई के साथ, ये बड़ी बात नहीं है। जब वापस जाए तो उस भरत का हाल देखना। उस भरत ने 14 साल का वनवास काटा है अयोध्या में राम के बिना अकेले रहकर। तुझे लगता होगा भरत भैया आराम से राजमहलों में रह रहे हैं। बोले सुन, तेरा भाई राजमहल में नहीं रहता। मेरे पास एक एक पल की खबर है। जिस दिन भरत राम की चरण पादुकाएं लेकर वापस अयोध्या गया ना, उस दिन से लेकर आज तक भरत राजमहल के अंदर नहीं सोया है, बल्कि राजमहल के बाहर उसने अपने लिए एक झोपड़ी बनवाई है। और सुन, उस झोपड़ी में भी तेरा भाई जमीन पर नहीं सोता, तू तो जमीन पर सोता है, वो जमीन पर भी नहीं सोता, बल्कि उसने जमीन के अंदर एक 4 फुट का खड्डा खुदवाया हुआ है। वो उस खड्डे में सोता है। जानता है क्यों? इसलिए क्योंकि वो मानता है कि जहां मेरा राम सोता है भरत का स्थान कभी उसके बराबर में नहीं हो सकता, भरत हमेशा राम से नीचे सोएगा। अब बता कौन महान, तू या वो? तूने तो राम के साथ रहकर वनवास काटा है, उसने बिना राम के 14 साल वनवास काटा है। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं राम के मुझे भरत से प्रिय कोई और नहीं, उसका बलिदान है साहब। और भाई भी सगा नहीं सौतेला था। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ एक बार। अगर भजन में आनंद आया तो एक बार ताली बजा कर। क्या कहा रावण ने? मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। वो भरत
भाई तेरे संग खड़ा, वो भारत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भारत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भारत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। पर मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में, मेरा भाई रावण नहीं हारा, आज रावण के भाई ने रावण को हरा दिया। मैं हमेशा कहता हूं ये सबसे बड़ी सीख है, सबसे बड़ी सीख। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, जो गलती रावण ने की और उसका सर्वनाश हुआ, वो गलती आज चारों तरफ हो रही है साहब। आज हम सबसे पहले अपनों को ही छोड़ते हैं, अब मानो चाहे ना मानो। और अपनों को छोड़ते किसके लिए? गैरों के लिए, दूसरों के लिए अपनों को छोड़ते हैं। लेकिन कभी जीवन में महसूस करना, जब कभी मुसीबत आती है ना, आपके ऊपर कोई संकट आता है, कभी बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं, उस वक्त आपके कमरे के बाहर कोई और नहीं खड़ा होता, आपके अपने वो दो चार लोग ही होते हैं जिन्हें आपसे दिल से प्रेम होता है साहब। हम बड़ी शान से कहते हैं ना, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया, बोले मेरे तो 10,000 हैं, मेरे 50,000 फॉलोवर हैं, मेरे 40,000 लाइकर्स हैं, लेकिन सच बताऊं, बात कड़वी है पर सच्ची है, जो 50,000 2400 घंटे आपसे बात करते हैं ना, उन्हें अगर आप कह दो कि यार मैं बहुत बीमार हूं, तो सिर्फ नीचे एक कमेंट आता है, बाबा से प्रार्थना करते हैं आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद दोबारा कमेंट नहीं आता। दोबारा कमेंट तभी आएगा जब आप कहेंगे कि मैं ठीक होके वापस घर आ गया, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं, आप जी रहे हैं मर रहे हैं। उसके बाद अगर मतलब होता है तो आपके परिवार के चार लोगों को होता है जो आपकी देखभाल करते हैं साहब। यही बात कही रावण ने कि मैंने एक ही सबक लिया कि कभी भी गैरों के लिए अपनों को ठोकर मत मारना। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, बावरा तुमने अपने लगाए गले, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। पर मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में, मेरा भाई मेरे विरुद्ध, राम सुन लो मेरी बात तुम। ये कहते हुए रावण ने अपनी आंखें बंद कर ली। राम ने अपना हाथ रावण के सर पर घुमाया और कहा कि अब आपका स्थान यहां नहीं, अब आपका स्थान मेरे धाम में है, आराम से जाइए, अब आपको कभी कोई विपदा परेशान नहीं कर सकती। भजन अच्छा लगा हो एक बार तालियां उसके लिए होनी चाहिए जिसने ये लिखा है। तहे दिल से धन्यवाद आप सबका कि आपने इतने प्रेम से इस भजन को सुना। और सच बोलूं, आप कुछ भी कर लीजिए साहब, कितना उछल लीजिए नाच लीजिए कुछ भी कर लो, पर अगर कीर्तन की बात करो तो कीर्तन तो यही है जो अब आप कर रहे हो, कीर्तन तो यही है। क्योंकि जो चीज आपको इससे जोड़ दे उससे बड़ा कीर्तन और उससे बड़ा भजन नहीं हो सकता। और वरना आप पूरी रात बैठे रहिए, अगर आपका तार इससे नहीं जुड़ा, आपका ध्यान इस पर नहीं पड़ा, उसके बाद पूरी रात की महफिल बेकार है आपकी। मैं सच कह रहा हूं, मैं तो हमेशा कहता हूं, देखो दुनिया का कोई भी भजन गायक ये गारंटी नहीं ले सकता कि वो आपको इससे जोड़ेगा, लेकिन अगर दो चार घंटे का कीर्तन होता है ना, उस दो चार घंटे में चाहे दो मिनट ही सही, एक वक्त ऐसा आता है जब ये साक्षात दरबार में बैठकर आपको देखता है, वो वक्त ना आपको पता है ना मुझे पता है, वो दो पल इतने कीमती होते हैं साहब कि उस दो पल में आपका लिया हुआ नाम इसके कानों तक चला जाता है। और अगर एक बार इसके कानों तक चला गया, उसके बाद इसका हाथ उठता है और आपके सर पर आता है, और जब इसका हाथ सर पर आता है ना,
उसके बाद किसी की औकात नहीं कि कोई आपका बाल बांका कर सके। इसलिए मैं कहता हूं कोशिश किया कीजिए कि बाबा दो तीन घंटे में सिर्फ दो मिनट ही ऐसे दे दे कि मेरी नजर तो तीन घंटे से तुझ पर रहे, लेकिन वो दो पल तेरी नजर मुझ पर पड़ जाए तो मेरा और मेरे परिवार का जीवन सफल हो जाए साहब। पूरी रात कीर्तन में बैठने को कभी व्यर्थ मत समझना, बोले यार सुबह कर दी हमने, क्योंकि पूरी रात में आपने इसे हजारों बार देखा होगा, लेकिन इंतजार करना उस बात का कि पूरी रात में ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके लिए बैठे हो और ये एक बार भी आपको नजर उठाकर ना देखे। एक बार देखता है और जो नजर पड़ गई तो इसकी नजर तो वो है भव सागर पार कर देती है साहब। ये तो संसार है, इसकी तो बात क्या है।